सोलन में आवारा कुत्तों के लिए नगर परिषद और जिला प्रशासन कुछ भी रणनीति नहीं बना रहा है, जिसके चलते शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शहरवासी चाहते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए शरण स्थली बनाई जाए, जहां उन्हें छोड़ा जा सके और शहर की जनता बेखौफ होकर शहर में घूम सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रात होते ही आवारा कुत्ते झुंडों में शहरवासियों पर हमला कर उन्हें घायल करते रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस समस्या की गंभीरता पर गौर नहीं कर रहा है। इस समस्या को नगर परिषद के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता कई बार बैठक में उठा चुके हैं, लेकिन ये समस्या जस के तस बनी हुई है। नगर परिषद के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि विभिन्न वार्डों में आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये अब आते जाते शहरवासियों पर हमला कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 पर एक सप्ताह में 4 लोग घायल हो चुके हैं, यही स्थिति सारे सोलन की बनी हुई है। नगर परिषद और पशुपालन विभाग ने कुत्तों की नसबंदी करने के लिए अभियान चलाया था, लेकिन वे इस अभियान को आरंभ भी नहीं कर पाए हैं, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज मजबूरी में वे उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिले हैं और उन्हें समस्या से अवगत करवाया गया है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही कुत्तों की नसबंदी करवाई जाएगी। पिछली बार दिसंबर में कोरोना काल की से पहले ये डिसाइड हुआ था, और मेरी जानकारी के हिसाब से डॉग कैचर भी यहाँ आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी स्टरलाइजेशन का काम एनिमल हस्बेंड्री और नगर परिषद की जो टीम ने मिलकर नहीं कर सका, उसका परिणाम ही है कि भी जो आज की जो कुत्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या है, और हमारे विशेषकर सीनियर सिटीज़न और छोटे बच्चों को ये जो काटा जा रहा है, वो यदि उस समय ये काम हो जाता तो उससे इसका असर इस बार हमें नज़र आना था, और उम्मीद करता हूँ कि भी स्टरलाइजेशन इन एक दो महीने के अंदर हो जाएगी। मैं आज जिलाधीश महोदय से मिला था, और उनको मैंने लिखित तौर पर इस पत्र में ये दिया है कि भी पिछले लगभग 2 वर्षों से कुत्तों की स्टरलाइजेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। 2019 में दिसंबर में ये योजना तय हुई थी, डॉग कैचर भी आ गए थे, लेकिन नामालूम ये काम क्यों नहीं सिरे चढ़ा, और बढ़ती हुई कुत्ते की जनसंख्या और बंदरों की जनसंख्या के कारण विशेषकर हमारे शहर के छोटे बच्चे और सीनियर सिटीज़न इस समस्या से बहुत परेशान हैं। वार्ड नंबर 9 में पिछले 4-5 दिनों में 4 व्यक्तियों को कुत्ते ने काट दिया है, और वो एक ही कुत्ता जो 4 बार लोगों को काट चुका है, उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ना मालूम